नमस्कार दोस्तों, आशिक एल्बम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एल्बम डिजाइन का मास्टर एक्शन। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने एक जिप फाइल आ जाएगा। जिप फाइल को आप अनजिप करेंगे तो आपके सामने ये तीन फाइल शो करेगा। इसमें कुछ 10 PSD है आपको फ्री देने वाला हूँ और एक हमारा मास्टर एल्बम डिजाइन का एक्शन है। इसमें 5 स्क्रिप्ट फाइल है और एक एल्बम डिजाइन का एक्शन फाइल है। सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट फाइल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको एक फोल्डर ओपन कर लेना है और यहाँ से सी ड्राइव में आ जाना है। सी ड्राइव में आने के बाद आपको प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद एडोब का फोल्डर ओपन करना है। यहाँ से आप जिस भी फोटोशॉप में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं वो फोटोशॉप का फोल्डर सेलेक्ट करके आप ओपन कर लीजिए। मैं 2022 में करने वाला हूँ तो 2022 का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से प्रीसेट का फोल्डर ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट का फोल्डर ओपन करना है। स्क्रिप्ट के फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको एल्बम डिजाइन के एक्शन में आ जाना है। यहाँ से आपको एक्शन फाइल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से फोटोशॉप वाले फोल्डर पे आना है। यहाँ पे आप एक्शन का फोल्डर देखेंगे, एक्शन के फोल्डर में आपको इसको पेस्ट कर देना है। एक्शन को लोड करने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आपको फोटोशॉप 2022 को ओपन कर लेना है। यहां से मैं फोटोशॉप 2022 को ओपन कर लेता हूं। फोटोशॉप ओपन होने के बाद अगर आपको एक्शन का पैनल शो नहीं हो रहा है तो आपको विंडो पे क्लिक करके एक्शन पे क्लिक कर देना है। यहां से आपका पैनल शो हो जाएगा। मेरा पैनल यहाँ दिखा रहा है एक्शन का। यहाँ पर आपको ये एक्शन शो हो जाएगा। अगर आपको नहीं शो होता है तो थ्री लाइन पर क्लिक करना है, बटन मोड को ऑन रखना है और यहाँ पे एल्बम डिजाइन बाय आशिक एल्बम यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको ये यहाँ पर शो हो जाएगा। आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार आपको शो हो जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है एक बार ही क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका ये एक्शन शो हो जाएगा। अब मैंने जो आपको PSD फ्री दिया है वहां से कोई एक PSD हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सपोज मैं ये PSD यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। लेयर पैनल में आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी लेयर अलग अलग है। मैं इसको यहाँ पर छोटा कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे फोटो फिल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ऑटो सेलेक्ट पर चेक रखना है और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पर चेक रखना है। उसके बाद आप यहाँ पर फ्रेम सेलेक्ट करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 6 फ्रेम सेलेक्ट किया है। यहाँ पर फिल फोटोज का एक बटन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ आपके साथ एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जो भी आप इमेज फिल करना चाहते हैं वो यहाँ पर ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ से कुछ फोटो ओपन कर लेता हूँ। ओके करूंगा और फोटो फिल होने का प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सभी फ्रेम पर फोटो फिल हो जाएगा, फ्रेम के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। ये एक्शन बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ आपको और इस एक्शन के लिए जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और अनजिप करेंगे तो एक पासवर्ड की जरूरत होगी। पासवर्ड मैं ऑडियो में बताऊंगा और 3 पार्ट में बताऊंगा। पासवर्ड का पार्ट 1 है ABC स्मॉल लेटर में। पार्ट 1 है ABC स्मॉल लेटर। पार्ट 2 और पार्ट 3 में आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। यहां पर हमारा PSD बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं सभी फोटो अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग फिट हो गया है। आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर सभी अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग फिट हो गए हैं। और अगर आप यहां पर भी फोटो फिल करना चाहें तो फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, फिल फोटो बटन पर क्लिक करेंगे, फिर से आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहां पर आप जो चाहें फोल्डर ले सकते हैं और इसका आप जब फोटो फिल करेंगे तो जो फोटो आप यूज कर लेंगे वो यूज्ड फोल्डर बनके उसके अंदर चला जाएगा।
यहाँ पर मैं ये फोटो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, फोटो सिलेक्ट करके ओके करेंगे, फोटो ओपन होगा, अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, आपको इसमें मॉडिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से हम एक फोटो को स्वैप करके देखेंगे, सपोज आप इस फोटो को यहां लेना चाहते हैं और इस फोटो को यहां लेना चाहते हैं, तो आप यहां पर दोनों फोटो को शिफ्ट दबाए रखते हुए दोनों फोटो को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहां पर स्वैप का बटन दिया हुआ है, स्वैप के बटन पर क्लिक करते ही इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फोटो आपस में स्वैप हो जाएगा और अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग फिट भी हो जाएगा। देख सकते हैं ये पूरा PSD बनके रेडी हो गया है। आप इसे सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं, मैं यहां से इसको क्लोज कर देता हूं। अगर आप ब्लैंक टेम्पलेट पे काम करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। एक नया 1236 का पेज मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं, उसके बाद मैं यहां से कुछ फ्रेम ओपन करके आपको दिखाता हूं। यहां से मैं एक फ्रेम ओपन कर लेता हूं, ओपन करने के बाद मैं इस फ्रेम को ड्रैग करके अपने ब्लैंक पेज पर ड्रॉप कर देता हूं। यहां पे आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। एक फ्रेम में और ओपन कर लेता हूं यहां पर, इसे भी हम अपने कैनवास के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। व्हाइट बैकग्राउंड की जगह मैं कोई कलर बैकग्राउंड इस्तेमाल करने वाला हूं, तो यहां पर बैकग्राउंड फिल बटन पर क्लिक करेंगे और आपका एक नया फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड के सैंपल दिए हुए हैं, यहाँ से मैं कोई भी एक बैकग्राउंड ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के साथ वो आपका बैकग्राउंड अपने कैनवास के अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे। और यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। उसके बाद मैं कोई क्लिप आर्ट यूज करने वाला हूँ, जिससे कि हमारा PSD थोड़ा अच्छा दिखे। तो यहां से हम कोई क्लिप आर्ट ले लेंगे, आप कोई भी क्लिप आर्ट ले सकते हैं, जो चाहे यूज कर सकते हैं आप। मैं यहां से ये क्लिप आर्ट ले लेता हूं, इसको यहां पे ड्रैग कर दो। फोटो फिल करेंगे, फोटो फिल करने के लिए आपको अपने सारे फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो मैं यहां पर बारी बारी सभी फ्रेम को सेलेक्ट कर लेता हूं शिफ्ट दबाए रखते हुए। उसके बाद हम यहां पर फोटो फिल करेंगे। सारे फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद फिल फोटोज पर क्लिक करना है, और यहां से डेमो इमेज में से मैं कुछ फोटो ले लेता हूं। ओके करते हैं। एक एक करके सभी फोटो ओपन होंगे, अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग फिट हो जाएंगे और एक यूज्ड फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर हमारा PSD रेडी हो गया है, कहीं पे कुछ एडजस्टमेंट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, जैसे ये फोटो थोड़ा ऊपर होना चाहिए था,
तो आप इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके अपने पीएसडी और फ्रेम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एल्बम डिजाइन के एक और ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताता हूं। यहां पर ओपन पीएसडी का एक बटन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस सेक्शन को डाउनलोड करने के लिए जो पासवर्ड 1 मैंने बताया था उसके आगे पासवर्ड 2 आपको बता रहा हूं। पासवर्ड 2 है 123। पासवर्ड का सेकंड पार्ट है 123। पीएसडी ओपन होने के बाद आपको यहां से अपने सारे फ्रेम को सेलेक्ट करना है शिफ्ट दबाए रखते हुए। और यहां से फिल फोटोज के बटन पर क्लिक करना है, एक फोल्डर ओपन हो जाएगा, आपको जस्ट अपने फोटो को सेलेक्ट करना है। यहां से अपने जो भी फोटो है आप यहां से ओपन करेंगे। चलिए मैं यहां से ये फोटो ओपन कर लेता हूँ, ड्रैग करेंगे फोटोशॉप में और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहां से मैं चाहता हूं कि इसका रेड कलर हाईलाइट हो और बाकी सभी कलर को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया जाए, तो यहां से कलर हाईलाइट बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फोटोशॉप का कमांड ओपन हो जाएगा, कलर रेंज ओपन हो जाएगा आपके सामने। और यहां से आपको प्लस वाला आइकन, बीच वाला जो आपको दिख रहा है, यहां से सेलेक्ट करना है इसको और अपने फोटो पर यहां से सेलेक्ट करते हुए इसको चलना है। जो कलर आप हाईलाइट करना चाहते हैं उस कलर पर इसको चलाएंगे। उसके बाद इसका फजीनेस आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे कम ज्यादा। इतना करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के साथ आपका रेड कलर हाईलाइट रहेगा, बाकी सभी कलर आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। अब इसी तरह से मैं आपको बताऊं, ज्वेलरी हाईलाइट भी इसी फोटो में मैं आपको दिखा देता हूं। आपको फोटो ओपन करना है, ओपन करने के बाद ज्वेलरी हाईलाइट बटन पर क्लिक करना है, आपका ज्वेलरी हाईलाइट हो जाएगा सिंगल क्लिक में। चलिए इस फोटो को क्लोज कर देते हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओवरले बैकग्राउंड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ओवरले जो बोके वगैरह होते हैं उनको कैसे यूज करते हैं वो बताने वाला हूँ। यहाँ से मैं कोई एक फोटो ओपन कर लेता हूँ, लाइक मैं ये फोटो ओपन करता हूँ। ओपन होने के बाद यहाँ पे हम इस पर बैकग्राउंड ओवरले बोके वगैरह यूज करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है ओवरले ब्लैक बैकग्राउंड और ओवरले व्हाइट बैकग्राउंड, दोनों सेम काम करते हैं। आपके ओवरले में अगर व्हाइट बैकग्राउंड है तो व्हाइट वाला क्लिक कीजिएगा और अगर ब्लैक बैकग्राउंड है तो ब्लैक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से मैं ओवरले ब्लैक बैकग्राउंड पे क्लिक कर बैकग्राउंड ओपन करने का पूछा जा रहा है। यहां से हम कोई भी एक ओवरले सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूं। आपका ओवरले ओपन होगा और फोटो पे सेट हो जाएगा। बड़ा छोटा करना चाहें कर सकते हैं।
ये वाले यहाँ पर सेट हुए हैं। अब इसे कहीं से रिमूव करना चाहे तो कीबोर्ड से ई दबा सकते हैं, ई सेलेक्ट ई प्रेस करके ये टूल ले सकते हैं या मैनुअल टूल बार से भी ले सकते हैं। उसके बाद इसका ओपेसिटी, इसका हार्डनेस आपको जीरो कर देना है। उसके बाद आप जहाँ से इसका इफेक्ट नहीं चाहते हैं वहाँ पर इसको ब्रश को घुमा देना है। एक्शन का पासवर्ड पार्ट 3 है XYZ। चलिए इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पर मैंने और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, आप मास्क को अप्लाई कर सकते हैं फोटो पे और एल्बम पेज पे, ओवरले का ऑप्शन है, स्काई रिप्लेस स्काई चेंज कर सकते हैं आप किसी फोटो में स्काई चेंज करना हो, मेरे पास अभी फोटो अवेलेबल नहीं है स्काई चेंज करने के लिए। कलर हाईलाइट का मैंने ऑप्शन आपको आगे बताया था, ज्वेलरी हाईलाइट तो बताया था, करेक्शन का मैं और आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं सपोज ये फोटो ओपन कर लेता हूँ, करेक्शन की थोड़ी जरूरत है। फोटो ओपन करने के बाद यहाँ पे करेक्शन का बटन दबाएंगे, यहाँ पे आपसे लेवल ओपन हो जाएगा। आपको मैन्युअली एडजस्ट अगर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, फोटो पे क्लिक कर देंगे यहाँ से। सबसे पहले कुछ लाइट की रिक्वायरमेंट अगर आपको है आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं, जो भी आप एडजस्ट करेंगे। उसके बाद ओके क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सेचुरेशन और ह्यू ओपन हो गया है, आप उसको एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं, ओके कर देंगे। उसके बाद आपका कलर बैलेंस ओपन हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा उसको ब्लूश करेंगे, ओके करेंगे। एक्सपोजर आपका ओपन हो गया, अगर आपको और लाइट की जरूरत है तो आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ, ये बिफोर था और ये आफ्टर है जो हमने करेक्शन किया। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो में कुछ आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।